नमस्कार साथियों, अभी आप जो ज़मीन देख पा रहे हैं ये गाजर के बाद की ज़मीन है, यानि कि गाजर की हार्वेस्टिंग होने के बाद है। इसमें ज्वार बो दी गई है और ज्वार की हार्वेस्टिंग होने के बाद दूसरी फसलें हैं वो बोई जाएंगी। तो जिन साथियों को एग्रीकल्चर लैंड लेनी हो, ज़मीन लेनी हो, ख़रीदनी हो, बेचनी हो, वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पर उनको समय समय अनुसार वीडियो मिलती रहेगी। आज मैं जो आपके लिए वीडियो में जो ज़मीन देख पा रहे हैं लेके आया हूँ, ये हमें किसान भाई ने बेची है गंगानगर साधु वाली से। गेहूँ खड़ी है पास में और उसके साथ में जो अभी आप ये ज्वार वाला जो खेत देख पा रहे हैं, यही खेत है जो बेचना है। 5 एकड़ जगह है, शहर से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूरी है। जिन साथियों को ज़मीन लेनी हो राजस्थान में श्री गंगानगर के नज़दीक, वो संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ आप भारत की जितनी भी फसलें होती हैं लगभग वो सभी फसलें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाल दोमट मिट्टी है जिसमें आप सारी फसलें हैं वो लगभग अधिक मुनाफा देने वाली वो ले सकते हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि इस खेत में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ज्वार का जो जर्मिनेशन है वो पूरा प्रॉपर शानदार तरीके से 100% बीज का जर्मिनेशन हुआ है। मतलब कि हमारी जो ज़मीन है वो अच्छी क्वालिटी की है। और इसका जो पानी की बात करूं मैं, तो ट्यूबवेल का पानी भी यहाँ उपलब्ध है, नहर का पानी भी यहाँ गंग कैनाल का उपलब्ध है। तो अच्छी ज़मीन है, पानी की व्यवस्था है, शहर के नज़दीक है। यहाँ अगर आप सब्जी की खेती करते हैं 5 एकड़ में, तो एक अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और शहर नज़दीक होने के कारण बेचने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जर्नल कैटेगरी की ज़मीन है, आल कैटेगरी के व्यक्ति से ले सकते हैं। 5 एकड़ ज़मीन है, ज़मीन का जो भाव है वो आपको मालिक बताएगा कि वो किस भाव में देना पसंद करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं गेहूं के खेत में ज़मीन फटी हुई है, मतलब पक्की ज़मीन है प्योर। तो ज़मीन का जो भाव है वो मालिक पर निर्भर करता है कि वो अपनी ज़मीन किस भाव में बेचना चाहे। अमूमन मैं आपको बता दूं, 15 से 20 लाख रुपये प्रति एकड़ का भाव यहाँ है, क्योंकि शहर नज़दीक होने के कारण कुछ भाव वैसे एक्स्ट्रा हैं और कुछ ज़मीन अच्छी है इसके कारण भाव अच्छे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़मीन के मालिक का आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। जब तक कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहा गया, तब तक आप ओनर से संपर्क कर ज़मीन ले सकते हैं। जैसे ही नंबर डिस्क्रिप्शन से हटा दिया जाएगा, आप ये समझें कि ज़मीन सेल आउट हो चुकी है। जो साथी अपनी ज़मीन बेचना चाहें वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी खेत की वीडियो बना के कि भाई हमें इतनी एकड़ ज़मीन बेचनी है और ये हमारी लोकेशन है, नहरी है या बिरानी है, वो भी हमें सूचित करें ताकि हम वीडियो में दूसरे किसान साथियों को बता सकें। और कॉन्टेक्ट नंबर मेरा आपको वीडियो में मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें हमने ज़मीनें खरीदने और बेचने के लिए संपर्क करें और कॉन्टेक्ट नंबर उसमें दिया है। तो वह वीडियो कॉन्टेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, जिसमें मेरा कॉन्टेक्ट आपको दिया जाएगा। वर्तमान समय में ज़मीनें खरीदने वाले ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं, इसलिए मेरे पास प्रतिदिन मान के चलें 80% फ़ोन तो
ज़मीनें लेने वालों के आते हैं और 20% देने वाले के आते हैं। इसलिए अभी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है कि जितने कस्टमर लेने वाले हैं उतने देने वाले नहीं हैं। इसलिए आप जो भी ज़मीन लें सोच समझ के लें, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि लेने वाले बहुत हैं, बेचने वाले कम हैं। तो जिन साथियों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़मीनें आने वाले समय में लेनी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास आए बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचनाएं मिल जाए। पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अगर आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हो तो हमारे चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं और वीडियो लगवा सकते हैं, जिससे आप अपनी बिना किसी लाग लपट के, बिना किसी दलाली के सीधी ज़मीन बेच सकते हैं। यानी कि लेने वाली पार्टी और देने वाली पार्टी दोनों आपस में संपर्क करेगी, आपस में डील करेगी, अपना भाव तय करेगी और उसके बाद आप अपनी ज़मीन है वो बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। वर्तमान समय में दलाल हैं वो अपना कमीशन ज़्यादा रखते हैं, जब तक उन्हें मनचाहे कमीशन नहीं मिलता है तब तक वो ज़मीनें हैं वो किसान की नहीं बिकने देते। उसी चीज़ों को हमने देखते हुए एक समस्या का समाधान था, उसका हल निकाला है कि आप अपनी ज़मीन सीधी यूट्यूब फेसबुक प्लेटफार्म से अपनी बेचें और आप अपनी ज़मीन लोगों को दिखाएं कि आपकी ज़मीन किस टाइप की है और आपकी ज़मीनों में किस टाइप की फसलें हो सकती है। उसके बाद जो साथी लेने में इंटरेस्टेड होगा आपकी ज़मीन में वो आपको फ़ोन करेगा और आप अधिक जानकारी उसे उपलब्ध करवा सकते हैं। हमने आपको ज़मीन दिखाई है, ज़मीन के अंदर जो फसलें खड़ी हैं वो दिखाई है, हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर उपलब्ध करवाया है, हमने आपको एड्रेस उपलब्ध करवाया है। हमारा काम ये है कि आप लोगों को एक ऐसी ज़मीन दिखाना जो आपके काम की हो, आपके लायक हो। अगर आपको लगता है कि भाई ये ज़मीन मेरे बजट में नहीं है तो आप मेरे चैनल पर और बहुत सी वीडियो देख सकते हैं जो 50,000 रुपये प्रति बीघा से स्टार्ट होके काफ़ी महंगी ज़मीन है, जो 20 लाख रुपये तक भी ज़मीनें हैं। तो जिस टाइप की आप ज़मीन लेना चाहें उसी टाइप की आपको ज़मीनें मिल जाएंगी। तो ये यहाँ नहर का पानी लगाने के लिए खड़ा बनाया गया है और ट्यूबवेल का पानी वर्तमान समय में इसमें चल रहा है और गेहूं को लास्ट पानी दिया जा रहा है। तो जिन साथियों को ज़मीनें लेनी हो, बेचनी हो, मैं पुनः कहता हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास आए बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आपको सूचनाएं समय अनुसार मिलती रहें, क्योंकि यहाँ जो लेट हो गया तो तब तक ज़मीन बिक गई तो हो सकता है सस्ती भाव की ज़मीन आपके हाथ से निकल जाए। इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचनाएं मिलें। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करें, लाइक कर बताएं, शेयर करें। अगर कोई कमियां रही हैं वीडियो में तो वो भी हमें बताएं। अगर आप अपनी ज़मीन बेचना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं संपूर्ण एड्रेस के साथ। ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को यहीं एंड करता हूं और मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान।